भाई साहब इस सभी को मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ हाँ सर, सभी। वो नेटवर्क का इशू होता रहता है कभी इधर। चलो अब हम अमोनियम सल्फेट का देख रहे थे, मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करना आता है सभी को। अब देखो यहां पर नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 14। 14। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का 40 है, लेकिन यहाँ पर 2 दे वाले, यानी कि नाइट्रोजन के 2 एटम आएंगे, हमें कुल मिला के 28 होंगे, 28। और हाइड्रोजन 8 बनेंगे। एट 4 × 2 28, और 8 कितने हुए? 36। 36। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? 16। 36 और 60 कितने हुए? 96। ओके। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी। 60 × 4 कितने हो गए? 64। कुल मिलाकर आएंगे 132। ओके। अब देखो इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज निकल आएगा 21। सर अब मुझको बताओ इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है हमारा? अमोनियम कार्बोनेट का, नहीं, अमोनियम क्लोराइड का। अब देखो यूरिया में आया हमारा 46, अमोनियम साइनाइड में आया 63, और अमोनियम कार्बोनेट में 29, और अमोनियम सल्फेट का आया 21। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा करेक्ट? अमोनियम साइनाइड। ओके, यस सर। आ गया समझ में सभी के? हाँ सर। चलो अब क्या आएगा हमारा इसका आंसर? बी आंसर इज करेक्ट आंसर, अमोनियम साइनाइड। ओके, सभी को समझ में आ गया अच्छी तरह से? अमोनियम साइनाइड इज अवर करेक्ट आंसर। किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे? सिर्फ हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला पता होना चाहिए हर हर सब्सटेंस का। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस इन द सेल्फ स्टार्टिंग इंजन। कौन सा एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस यूज करते हैं हम? सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हाँ सर, देखो क्या आएगा, 125 को क्वेश्चन दिख रहे हैं हम। कौन सा एंटी फ्रीजिंग इंजन है जो इंजन यूज करते हैं सेल्फ स्टार्टिंग के लिए? इसका आंसर आएगा सी, इथिलीन ग्लाइकोल। कौन सा यूज करते हैं हम? इथेलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं। अब देखो एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या होता है? जो हमारा फ्यूल रहता है हमारे इंजन में, उसको फ्रीज नहीं होने देता। क्या? फ्रीज नहीं होने देता, इसीलिए हम उसमें इथिलीन ग्लाइकोल यूज करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ सर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। टेट्रा इथिल लीड इज क्या होता है? टेट्रा इथिल लीड एंटीऑक्सीडेंट नो, एंटीऑक्सीडेंट नो। हम सर, टेट्रा इथिल ब्लीचिंग नो, टेट्रा इथिल लीड को हम फ्यूल में यूज करते हैं। किसमें? फ्यूल में यूज करते हैं। जो एक एन एंटिक नॉकिंग कंपाउंड होता है। क्या? एंटिक नॉकिंग कंपाउंड, इसका मतलब पता है आपको? एंटिक नॉकिंग। नो सर, अब देखो गाड़ी के फ्यूल में जो हमारे कौन से कंपाउंड रहते हैं फ्यूल में?
ब्यूटेन रहते हैं ना, ब्यूटेन। हाँ तो क्या होता है वो एक दूसरे पे उनकी टक्कर होती है, उसकी वजह से क्या होता है वहां पर एनर्जी क्रिएट होती है। तो अगर वहां पर एंटी नॉकिंग कंपाउंड रहेगा तो उसको कंट्रोल करेगा नॉकिंग की प्रोसेस को, जो कि दो कंपाउंड की टक्कर होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर एंटी नॉकिंग कंपाउंड डाल दिया जाता है। नॉकिंग का मतलब है एक दूसरे से टक्कर लेना। ओके, तो वहां पर टेट्राइथिलीन डाल दिया जाता है, क्योंकि जो इंजन का प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जिस उससे जो एनर्जी मिट होगी उस प्रोसेस से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम वहां पर एंटी नॉकिंग कंपाउंड डाल देते हैं, जो कि एक टेट्राइथिलीन। ओके, ओके सर, सर आंसर ऑप्शन सी है। यस, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरो फ्लोरोकार्बन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ प्रेयर फ्रेयॉन। यस, फ्रेयॉन इज करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटालिक एटम इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ सुपर फॉस्फेट। सभी खेत में यूज करते हो ना सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर, कौन सा रहता है सुपर फॉस्फेट में? कैल्शियम रहता है क्या? कैल्शियम। ओके, सुपर फॉस्फेट में कैल्शियम प्रेजेंट रहता है मेटल। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट रेडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम किससे कहते? क्वेश्चन रिपीट होगा ये भी। किससे रेडियम को एक्सट्रैक्ट? हाँ यस, पिच ब्लैक इज करेक्ट आंसर। बी बी यस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोमियम ऑक्साइड इज यूज एज अ कंपोनेंट इन द पेंट इन ऑर्डर टू गेट, कौन सा कलर मिलता है क्रोमियम ऑक्साइड से हमें? ग्रीन ग्रीन कलर, ग्रीन कलर मिलता है। कल का हमारा एक क्वेश्चन था कॉपर ऑक्साइड का कलर कौन सा होता है, तो उसका कंफर्म आंसर है ब्लैक होता है कॉपर ऑक्साइड का कलर। और एक बच्चे ने पूछा था कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसका कलर तो ग्रीन हो रहा है, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किससे बनी होती है? ब्रांच से बनी होती है, यानी कि कॉपर और टिन का वो अलाय होता है, इसकी वजह से वो ग्रीन बनती है। ओके, कल का क्वेश्चन था ना हमारा एक, कॉपर ऑक्साइड का कलर कौन सा रहता है? अब देखो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया, यूरिया का कौन सा फॉर्मूला है इसमें? जल्दी बता दो यूरिया का फॉर्मूला कौन सा है? H4Cl, ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब याद रखो यूरिया का फॉर्मूला कैसा होता है, NH2C(OO) और NH2। ओके, यूरिया यूज करते हैं ना सभी खेत में, यस। हाँ फर्टिलाइजर। नो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन यूरिया नाइट्रोजन इज टू बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में रहता है? अमोनिया एमाइड अब देखो नाइट्रेट हम अमाइन अमोनियम, अमोनियम किसे कहते हैं हम? NH4 पॉजिटिव को कहते हैं अमोनियम आयन, हम अमोनियम। पॉजिटिव को हम अमोनियम आयन कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा अमाइड। देखो यहाँ पर ये जो सी डबल बॉन्ड हो उसके नियर में NH2 अटैच है, इसकी वजह से ये अमाइड आएगा, लेकिन यहाँ पर ओ नहीं होता तो ये अमाइन आ जाता। क्या? अमाइन। देखो एक क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया। द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरिया, यूरिया में कितने अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, अभी कैलकुलेट किया था हमने, बताओ जल्दी जल्दी। 46%। यस, हम समझ में आ गया ना हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन? सर हाँ, इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेने का, रिवाइज कर लेने का, फिर याद रह जाएगा आपको किस तरह से परसेंटेज ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है हमें। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन द लेबोरेटरी वाज डन बाय व्हिच साइंटिस्ट, किस साइंटिस्ट ने किया था प्रिपरेशन सबसे पहले? वोल्टर
किसने? सी आंसर आ जाए, सी आंसर आ जाएगा इसका करेक्ट, होलर। ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करो और आंसर दो मुझको, मैं किसको पूछता हूँ आंसर। चलो ओम सूर्यवंशी तुम बताओ मुझको इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ओम सूर्यवंशी आंसर बताओ जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का। देखो a woman intended a chemical wash of her ornaments without any quantity loss, then which of the following chemicals will be suitable for the wash? उसको अपने ornaments यानी कि उसको दागिने कहते हैं, उसको wash करने हैं तो उसमें कुछ quantity loss नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसमें से कौन सा substance use करेंगे या फिर कौन सा compound? Aquaregia, Aquaregia में तो कौन सा आएगा इसका आंसर? यहाँ पर देखो सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पर एन ए नहीं है, एन ए टू एच टू ओ सेवन है, यहाँ पर एन ए टू एच टू ओ सेवन है, यहाँ से प्रिंट मिस्टेक की वजह से एन ए बन रहा है, एन ए टू एच टू ओ सेवन है। अब देखो एक्वेरेजिया किसका मिक्सचर होता है? एक्वेरेजिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यस एक्वेरेजिया मिक्सचर होता है एस सेल और एच एन ओ थ्री का इन द रेशियो ऑफ 3H2O1। ओके तो एक्वेरेजिया में क्या होता है? गोल्ड डिजॉल्व हो जाता है एक्वेरेजिया में। ओके तो गोल्ड आ सकता है इसका आंसर, एक्वेरेजिया आ सकता है अगर उसके उसको और उसके जो ऑर्नामेंट है उसको वॉश करना है तो वो फिर डिजॉल्व हो जाएगी एक्वेरेजिया में, और ये यहाँ पर एसिड दिया वाला है और यहाँ पर बेस दिया वाला है, लेकिन जो सोल्यूशन ऑफ एन ए टू एच टू ओ सेवन है ये क्या है? सॉल्ट है। क्या सॉल्ट है? इसको कहते हैं हम सोडियम पायरोसल्फेट। क्या कहते हैं? सोडियम पायरोसल्फेट कहते हैं इसको। ओके ये सॉल्ट है इसी वजह से हम सॉल्ट यूज करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ड्राई क्लीनिंग? बताओ आंसर इसका। अभिजीत बात मारे तुम बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। हो ड्राई क्लीनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? ड्राई क्लीनिंग पता है किसको क्या कहते हैं? ड्राई क्लीनिंग का मतलब क्या होता है पता है किसी को? ड्राई क्लीनिंग किसे कहते हैं हम? देखो ड्राई क्लीनिंग क्या होता है, अगर हमारे कपड़े पे कोई दाग पड़ जाए तो उसे हमें विदाउट यूजिंग वाटर क्लीन करना है, तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं बताओ? ओके यस उसीलिए हम बेंजीन यूज करते हैं। ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट? क्लोरोबेंजीन। यस क्लोरोबेंजीन मिलता है। अभी देखा हमने क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला याद है आपको कैसा रहता है? बेंजीन रहती है और ये क्लोरीन अटैच रहता है। ओके अब देखो ट्राइनाइट्रोकुलीन का फॉर्मूला बता दिया था मैंने आपको, क्या होता है ट्राइनाइट्रोकुलीन? एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव ट्राइनाइट्रोकुलीन इज अ एक्सप्लोसिव। ओके एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव का मतलब क्या होता है? विस्फोटक होता है वो। क्या? विस्फोटक। विस्फोटक। ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑयल मिराबेन इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ? मिराबेन ऑयल किसको कहते हैं हम? नाइट्रोबेंजीन। आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट, नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन से हम किसका प्रिपरेशन करते हैं? पैरासिटामोल टैबलेट पता है हम यूज करते हो पैरासिटामोल, तो नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन कर हम पैरासिटामोल बनाते हैं, इसको पैरासिटोफिनोन भी कहते हैं, जो कि एक एंटीपायरोटिक एंड एंटी एनर्जेटिक ड्रग होती है। ओके
लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द केमिकल नेम ऑफ टीयर गैस. टीयर गैस पता है आप सभी को? टीयर गैस पता है? नो सर. अब देखो टीयर गैस क्या होती है, जब कहां पर लड़ाई वगैरह हो गई तो जो हमारे सैनिक लोग रहते थे वहां पर टीयर गैस छोड़ते हैं, जिस जिसके जो हमारे जब आंख में जाता है तो आंख में जलन होने इरिटेशन होना शुरू कर देती है, और वहां से लोग यानी कि दंगा वगैरह कुछ हो गया तो वहां पर हम टीयर गैस यूज करते हैं, उसको अश्रु गैस ऐसे कुछ कहते हैं मराठी में या फिर हिंदी में. अश्रु गैस ब्लैक पेपर स्प्रे रहता है ना? क्या व्हाइट कलर ब्लैक पेपर स्प्रे रहता ना? हाँ वही व्हाइट कलर का रहता है वो, जो लोगों को भगाने के लिए छोड़ा जाता है. ओके कौन सा रहता है वो? पेपर स्प्रे. बेंजोफेनॉल वो रहता है. अल्फा नो ऑप्शन ये नहीं, डी ऑप्शन अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल. कौन सा? अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल. टीयर गैस का मतलब समझ में आ गया आपको? अश्रु गैस कहते हैं हम, जिससे आंखों में इरिटेशन होना शुरू हो जाते हैं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाते हैं हमारे आंख के कांटेक्ट में आने के बाद. अब देखो टेंडिलीपेक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टेंडिलीपेक. सॉल्ट सॉल्यूशन. देखो अच्छी तरह से थिंक करो और आंसर दो. तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सी ऑप्शन. नो नो पहले टेंडिलीपेक क्या होता है वो बताओ मुझे. सर वो लाइट मतलब ट्रांसपेरेंट वे से पास होता है, रिफ्रैक्ट हो जाती है. हाँ सर पूरा रिफ्रैक्शन हो जाते हैं. अब मुझे मुझको बताओ मिल्क पता है सभी को? हाँ सर मिल्क. हाँ. तो इसका आंसर रहेगा मिल्क. मिल्क. अब देखो हमने वाटर, अगर हमने वाटर वाटर से अगर रेस पास की तो स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी, लेकिन अब अगर हम मिल्क से पास करेंगे तो वो पूरी तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि उसके जो मिल्क का नेचर कोलाइडल होता है. अब देखो मिल्क में वाटर होता है और उसके साथ फैट्स भी होता है और ऑयल भी होता है, होता कि नहीं होता? मिल्क में ऑयल भी होता है, फैट्स भी होता है और वाटर भी होता है. तो हाँ सर. तो इसका उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं. तो इसकी वजह से हमारा आंसर मिल्क इज करेक्ट आंसर. ओवर लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज. बताओ इजी क्वेश्चन है. बर्निंग ऑफ कैंडल. कौन बताता है मुझको इसका आंसर जल्दी? बर्निंग ऑफ कैंडल. चलो शिवराज सुराशी तुम बताओ मुझे इसका आंसर. सर बर्निंग ऑफ कैंडल. Which of the following is not a chemical change? Burning of candle. Burning of candle chemical change नहीं होता. Rusting of iron. No, rusting of iron से तो chemical change हो जाता है सर. एक बार सर बी. हीट ऑफ वैक्स. सर बी ऑप्शन. नो बी ऑप्शन इज नॉट आंसर. कौन सा केमिकल चीज नहीं? सर ऑप्शन नंबर ए इसका. अब देखो हीटिंग ऑफ वैक्स यानी कि हम किसे कहते हैं? वैक्स. मेन पता है सभी को? मेन कहते हैं कैंडल. नहीं बनती उसको. हाँ जब बर्न किया तब. अब देखो वैक्स से ही कैंडल बनी हुई रहती है, लेकिन अगर हम वैक्स को हीटिंग करेंगे. अब क्वेश्चन पे देखो कौन सा नॉट अ केमिकल चेंज. अगर हम वैक्स को हीटिंग करेंगे तो उसका क्या होगा? सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो जाएगा, यानी उसका फिजिकल चेंज होगा, उसमें कोई केमिकल चेंज होगा क्या? नहीं होगा. तो आंसर ये करेक्ट. अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन सभी को पता है केमिकल चेंज होता है रस्टिंग ऑफ आयरन में. हाँ सर. तो रस्टिंग ऑफ आयरन तो आ नहीं सकता. अब देखते बर्निंग ऑफ कैंडल. जब हम
कैंडल की बर्निंग करते हैं तब क्या होता है, वहां से कार्बन ब्लैक निकलती है, CO2 भी निकलता है, यानी कि उसकी बर्निंग हो रही है, यानी कि उसका उसमें केमिकल चेंज हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी भी नहीं आएगा। और हीटिंग ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जब हम कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो उसमें से ये CO2 गैस फ्यूल हो जाती है और कॉपर ऑक्साइड बचता है हमारा, यानी कि इसमें भी केमिकल चेंज हो जाता है। तो अवर ऑप्शन ई इज करेक्ट। सभी को समझ में आ गया? हाँ सर। लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मिक्सचर ऑफ नेफ्थलीन एंड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन 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 यस सब्लिमेशन। सब्लिमेशन पता है सभी को क्या होता है? अब देखो हमारे पास एक मिक्सचर है नेफ्थलीन और सोडियम क्लोराइड का, तो उस मिक्सचर में क्या होगा, नेफ्थलीन जो रहेगा वो सॉलिड से डायरेक्ट इनडायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सोडियम क्लोराइड नहीं होगा वो, हाँ या फिर गैस के या फिर वेपर दोनों एक ही है। तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ओम सूर्यवंशी, तुम बताओ मुझे इसका आंसर क्या होता है जब मिक्सचर फॉर्म होता है तो? एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, या फिर कुछ भी चेंज नहीं होता? एब्जॉर्ब। अब देखो यहाँ पर हम कोई एनर्जी नहीं सप्लाई कर रहे, सिर्फ मिक्सचर बना रहे, तो यहाँ पर डू नॉट इनवॉल्व एनी चेंज, हम यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं कर रहे, हम सिर्फ मिक्सचर बना रहे। समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ पर हम कोई एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे, कोई रिएक्शन भी नहीं कर रहे, सिर्फ मिक्सचर बना रहे। लेकिन देखो हम मिल्क है और मिल्क में हमने पानी डाल दिया तो मिक्सचर ही बन जाए ना, तो इसमें कोई एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर रिलीज नहीं होगी। जब रिएक्शन होती है तब एनर्जी रिलीज हो सकती है या फिर एब्जॉर्ब हो सकती है। तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज नॉट एलिमेंट। अब देखो सिलिका, यस सिलिका मैंने बता दिया। गोल्ड क्या रहता है, एलिमेंट रहता है गोल्ड भी। ग्राफाइट भी क्या रहता है, एलिमेंट रहता है ना, ग्राफाइट, ग्राफाइट एलिमेंट, सिलिकॉन ऑल्सो एलिमेंट। लेकिन सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, SiO4, SiO4, सॉरी SiO2, यस SiO2। ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड, इसमें से मुझको कंपाउंड बताना है कौन सा है। CO2, यस CO2 इज CO2। अब देखो N2 क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल और कंपाउंड में कंफ्यूज नहीं होना, मॉलिक्यूल सेम एटम का बना हुआ रहता है, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं वो हेटेरो एटम्स, यानी कि दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट रहते हैं। अब देखो CO2 में एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, यानी कि एक कंपाउंड हुआ O2। देखो उसमें सेम एलिमेंट से बना है, इसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। H2 को भी मॉलिक्यूल कहेंगे और N2 को भी मॉलिक्यूल कहेंगे। आ गया समझ को, समझ में सभी को? लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनियम क्लोराइड शोज द प्रॉपर्टी ऑफ, कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है इसमें से अमोनियम क्लोराइड? सब्लिमेशन। क्या शो करता है? सब्लिमेशन। ओके सब्लिमेशन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय ए को, यस बी इज करेक्ट आंसर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम एयर को सेपरेट करते हैं, यानी कि अगर हमने एयर को कंडेंस किया किसी कंटेनर में और फिर यू ऑपरेट करने को छोड़ दिया, तो सबसे पहले कौन सी गैस निकलेगी बाहर? एयर में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यस हाँ, तो सबसे पहले नाइट्रोजन निकलेगी क्योंकि नाइट्रोजन की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। ओके तो सबसे पहले N2 गैस इवॉल्व होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ डैश चेंज, कौन सा चेंज होता है? यस यस बी इज करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, यहाँ पर हमें केमिकल चेंज बताना है, किसमें केमिकल चेंज होता है? डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ वैक्स। अभी तो बताया मैंने मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या होता है, इज नॉट अ मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज, हमें क्या पर क्या पूछता है, इज नॉट अ फिजिकल चेंज, किसमें फिजिकल चेंज नहीं होता, यानी कि स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज आल्सो फिजिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज होती है स्ट्रेचिंग के बाद। ग्राइंडिंग ऑफ वीट, डाइजेशन ऑफ फूड, यस डाइजेशन ऑफ फूड के जब करते हैं तो उसमें केमिकल चेंज हो जाता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिएक्टिव एलिमेंट, इसमें से कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव नहीं है? ए, नॉट अ ए, एस्टिडीन, एस्टिडीन इज अ रिएक्टिव एलिमेंट, टाइटेनियम सी, टाइटेनियम, नो टाइटेनियम इज नॉट, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज कवर्ड करेक्ट है सर, क्या जिक्रोनियम, ओके सर। आज क्लास कितने बजे तक है? कितने बजे अब? 9:08 हो गए, 9:10 हो गए, 10 हो गए। खाना खाना है सभी को? यस सर। चलो दो क्वेश्चन लेते हैं हम सिर्फ आखिरी के। चलो आर्टिफिशियल सिल्क इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम आर्टिफिशियल सिल्क को? नायलॉन, 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 रायन, बताओ क्या कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क को? यस आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है वो रेयन होता है, रेयन। सिल्क पूछा है यहाँ पर, सिल्क, इस बात पर ध्यान दो, सिल्क पूछा है तो रेयन इज अवर करेक्ट आंसर, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। चलो सिद्धार्थ माली इसका आंसर दो मुझको जल्दी जल्दी। बी बी बुक नंबर बी सर, हैव कंसेक्यूटिव एटम नंबर बी। अब देखो तुम सब गलती कर रहे हो यहां पर, नीट अच्छी तरह से क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से रीड करो फिर मुझको बताओ। द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप, हमें क्या बात है ग्रुप के बारे में बताए, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात की जा रही है, पीरियड या फिर ग्रुप, याद रखो। अब देखो हेलोजन, आइसोबार, नो आइसोबार आर नो, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब देखो फर्स्ट ग्रुप पता है सभी को? यस सर। हाँ तो फर्स्ट ग्रुप जे लिथियम सोडियम पता है सभी को? तो एस ब्लॉक, हाँ एस ब्लॉक, तो उनके जो प्रॉपर्टी होती है वो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहती है जो ग्रुप में देखे तो, पता है ना सभी को? अगर हम ग्रुप में स्टडी करेंगे तो जो एलिमेंट होते हैं सेम ग्रुप में तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी रहती है वो सेम रहती है सभी को। हेलोजन के बारे में पता है सभी को? हेलोजन, सभी हेलोजन सेम ग्रुप, सभी हेलोजन सेम ग्रुप में आते हैं ना, 70 ग्रुप में आते हैं, 70 नंबर ग्रुप, हाँ सभी हेलोजन 70 नंबर ग्रुप में आते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी कैसे रहती है सेम, सभी हेलोजन की सेम रहती है ना, हेलोजन सभी हेलोजन की प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है कि नहीं? यस, तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, ओके। तो सभी चलो अवर सेशन इज एंडिंग, ओके सभी को लास्ट का क्वेश्चन आंसर समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। बोर हो रहे हैं बहुत, बोर हो रहे हैं और बोर हो रहे हैं बहुत सर, एक क्वेश्चन नो सर सेंड कर देना ना ग्रुप पे, नो सर चलो चलो, हाँ मैंने सेंड किया ना पिछले वाले भी सेंड किया, कल का भी सेंड कर दूंगा, आज का भी सेंड कर दूंगा, सबको सेंड कर दूंगा, ओके सर। नहीं आया ग्रुप को सर, आंसर भी भेज देना, आंसर भी भेजे मैंने पीडीएफ के लास्ट में, देखो आंसर भी है ना उसके,
पीडीएफ के लास्ट में देखो वहां पर आंसर भी है, कुछ क्वेश्चन में करेक्शन था तो मैंने वो करेक्शन भी कर दिया है। तो सभी को गुड नाइट मेरी तरफ से और मकर संक्रांति के शुभेच्छा सभी को। ओके सेम टू सर, आपको भी, आपको भी, हाँ सभी को एक साथ। सभी को मेरा नाम पता है ना क्या है? नहीं सर बताओ ना। सोमनाथ सर, सोमनाथ सर, हाँ सोमनाथ सर है मेरा नाम। वो इंग्लिश का सेशन हुआ था इसके पहले, उन मैम का नाम क्या था? आसना मैम था ना वो? यस सर, हाँ यस। तो अगर कोई दिक्कत होगी, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो सिर्फ व्हाट्सएप में उस क्वेश्चन का नंबर और या फिर स्क्रीनशॉट निकल कर व्हाट्सएप पर भेज दो, हर क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन मिलेगा। ओके ओके सर, ओके। ओके ओके, मकर संक्रांति का शुभेच्छा सभी को मेरे तरफ से, सेम टू यू। लेट्स वी आर स्टॉप हियर। गुड नाइट सर। ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। पेपर सॉल्व कीजिए मैथ्स का, पेपर जो सेंड किया है।